इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास अपने तक बतावा है कि अतीत में अपना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन किसा था, समाज में किस समय के परिवर्तन हुए। लेकिन इतिहास पर जो ही विश्वास करांगे जे इतिहास ने लिखन वाला इतिहासकार सच्चा हो। जड़े सोना की मोहरत है कलम अपना, जड़े सोना की मोहरत है कलम अपना कर्तव्य भूल जाए, जड़े तलवार कटत है लेखक अपना ईमान भूल जाए, और जड़े राजा अपनी कुर्सी ने खानदानी बनाने खातर अपना ईसा खानदान है जिसमें ना कोई खान है ना कोई दान है और ना ईमान है, अपनी तलवार गले सबका ने बांध के अपने इसे खानदान ने और अपना अपने और अपनी पीढ़िया ने अलौकिक साबित करते है, तो उन झूठे प्रमाणा पर कुकर विश्वास कर लिया। अपने गांव अपना अतीत बयान करें कि वो कितने गौरवशाली थे, आप सदाए अवागी डर आजाद थे, जल जंगल और जमीन के मालिक आपा थे, आप सदाए आजाद थे, बाजार ने अपनी जरूरत थी न कि आपने बाजारा की जरूरत थी, घर में सामान बेसक थोड़ा होए करता लेकिन एक दूसरा खातर दिल में सम्मान बहुत होए करता, तन पर सोना बहुत कम होए करता लेकिन मन सोना तभी खरा होए करता, शरीर पर कपड़ा का पर्दा बेसक नहीं था लेकिन आँखों में शर्म का पर्दा होए करता, एक जुतिया की जोड़ी और धोती कुर्ता में को सारा गांव लिकर जाए करता, अपनी जरूरत इतनी थी कि जिनने पूरा करण खातर आपने कदे किसे ने अपनी बहु बेटी और घरवाली ने छोड़ के शहरा में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अपने गांव अपना आप में संविधान की पवित्र किताब थे जिसकी न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका गांव का हर मौजूद आदमी होए करता, जे लड़ाई झगड़िया में आपस में किसे पे किसे का सिर भी फूट दे करता नहीं तो गांव में अर्धी भी होए भरे करता। आपने भगवान कदे पत्थर की मूर्तियां में कोनी टोया, आपने भगवान कदे पत्थर की मूर्तियां में कोनी टोया था, बल्कि आपने तो इस देश का पेट भरने वाला अन्न इस धरती माँ की छाती पर बोया था। आप सदा आजाद और मजबूत थे लेकिन कायर सत्ता और झूठे धर्म ने अपने तय आप गुलाम और मजबूर बनाने की कोशिश करी, उन्हें साजिश रची, झूठे इतिहास लिखे गए, सरकारी धर्म खड़े करे गए और व्यापारी भगवान गड़े गए, उन भगवान ना पे प्रसाद तो अपनी मेहनत का चढ़ा और आशीर्वाद मिला इन पाखंडिया ने, इन धर्म के झूठे खेलों ते सत्ता तो पाई सूद खोरा ने और शहादत और जान दे इन मिट्टी के बेटिया ने, इनकी सदा तय साजिश थी कि जमीन में अपना जमीन देखने वाले इन किसानों पे या धरती खोज के इन्हें बंधुआ मजदूर कुकर बनावा, लेकिन पहला इनकी चाल कामयाब नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अपनी सोच में चौधरी छोटू राम अंबेडकर और चरण सिंह के विचार प्रभावित थे, उनका मानना था कि किसान और मजदूर की मेहनत का जो फल है उसकी तपस्या का जो फल है वो खेत खलियान में तो मिलागा पोथी और प्रसाद तो नहीं मिलागा, अपने साधन अड़ दाती और कसी थे, अपनी साधना सवेरे दिन लिखण ते पहला ते लेके सांझ ने दिन छिपण लगी वा गात तोड़ मेहनत थी, और अपना साध्य वो अन्न था, अपना साध्य वो अन्न था जो किसी भी मायने में ये स्वार्थी और पाखंडियों द्वारा खड़े करे गए झूठे भगवान ना में तय कम नहीं था। तो मेरे किसानों, जो मेहनत और पाखंड के बीच की जो यह रेखा है उसने अगर आप लांगांगे तो यू देने वाला आज सदा खतर लेने वाला बन जाएगा, यानी यू देश का अन्नदाता भिखारी बन जाएगा। जय जवान, जय किसान।